आशा गुप्ता जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका नमस्कार मैडम। जी। नमस्कार मैम। हाकिम साहब को नमस्कार मेरा। जय हिंद, स्वागत है आपका। हाकिम साहब, मेरी एक सासू माँ है ना, उनको जो है ना 2 महीने, 1 महीना, 1.5 महीना में हर बार बुखार ही आ जाता है। 15 15 20 20 दिन रहता है, तो उसके लिए क्या कोई परेशानी वैसे कुछ है, या कोई आप दवाई ऐसी बता दीजिए जो उनका बुखार आना बंद हो जाए। बहुत आता है, 15 15 दिन, 1 1 महीना रहता है, फिर 1 आध महीना सही रहती दवाई खा लेती, उसके बाद उन्हें फिर आने लगता है। ठीक, जी देखिए, ऐसे व्यक्तियों को इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन का इलाज कराइए उनका, और साथ में आप आयुर्वेदिक दवा भी ले सकते हैं। और बड़ा आसान एक नुस्खा है, अगर आप ले लें तो धनिया का पाउडर और अलसी का पाउडर, अलसी को हल्का सा भून के पाउडर बनाए 100 ग्राम का, हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं। और धनिया को भी पाउडर बना लें और इसका 1 चम्मच खा लिया करें पूरे दिन में, 1 बार या 2 बार। और नमक जैतून आता है, एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर इस पानी से आप इन्हें दे दिया करें, दिन भर में 1 बार भी काफ़ी है, तो इनका इन्फेक्शन निकल जाएगा, तो ये सेहत की ज़िंदगी गुजार सकती है। इसी के साथ अगली कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब, जय हिंद, स्वागत है हमारी बहन का। कैसे हैं भाई साहब? तबीयत ठीक है? अच्छा, तबीयत हाँ आधी ठीक है आधी नहीं है। ठीक हो जाओगे भाई साहब, सब दुआ कर रहे हैं आपके लिए। मैं भी करती हूँ, भाभी ठीक है? अरे उसकी तो बात ही मत करो, वो तो कभी ठीक ही नहीं रहती। नहीं ठीक रहती है, आप अच्छा सोचो ना, ठीक रहे वो, ठीक रहेगी तो आप सोचोगे तो अच्छी रहेगी, ठीक है। अरे वो मेरी दवाई ही नहीं खाती है, विश्वास ही नहीं करती मेरी दवाइयों पर, फिर करेंगी करेंगी, भी खाए आपकी बात खाती पहुंचा होगी दूंगा मैं। आप तो यहाँ आ जाते हो, किससे तक खाती होगी। और बताइए क्या सवाल है। और सवाल ये है भाई साहब, ये बताओ, ये चिलगोजा गोंद, मतलब आम ठीक आदमी भी ले तो उसको फायदा रहेगा, नुकसान तो होगा कुछ? अच्छा, एक सवाल आपका, और कोई सवाल? और एक सवाल ये है भाई साहब, जैसे ये जीरे का सिरका है, इसमें भी ये नमक बतून और मीठा सोडा डाल के पेट झड़ने के लिए, ये मिस्टर को सिर्फ पेट पेट रह रहा है थोड़ा सा, और सारी बीमारियां ठीक होगी, तो मैं चाहती हूँ ये भी खत्म हो जाए पूरा, तो ठीक, ये ले सकते हैं क्या? हाँ इसमें सोडा वगैरह तो ज़रूरत नहीं है, काफ़ी तेज़ होता है चर्बी काटने में, और नमक जैतून डाल सकते हैं इसमें 1 चुटकी, काफ़ी तेज़ होता है, चर्बी जिनको ज़्यादा है, पेट ज़्यादा है और खून में चर्बी है, उसके लिए एक अच्छी ये दवा कह सकते हैं। और सोडा मिलाने की इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ज़ीरा अच्छे से काटता है हमारी चर्बी को। और क्या सवाल था? अगर कोई सेहतमंद है वो भी चिलगोजा ले सकता है? हाँ ले सकता है, लेकिन एक खुराक बस, वो भी 1 चुटकी से ज़्यादा न लें, सेहतमंद लोग लें तो फिर रोग ही ना हो, ये काफ़ी तेज़ है। मैंने बहुत कम ऐसी दवाएं देखी हैं यूनानी में ख़ास तौर पर, जो 1 घंटे के अंदर आदमी की इम्यूनिटी को ज़रूरत के मुताबिक करती हैं, इससे ज्यादा लेना मना महाराष्ट्र से हैं फातिमा, स्वागत है आपका। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वाले सलाम हकीम साहब से बात करवाइए। जी जी, बात हो रही फातिमा, मैं हाजिर हूँ, क्या सवाल है? हकीम साहब, मैं एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहती थी मेरे को। हाँ अच्छा, कब से रहती है, कब से रहती है? ये कम से कम 2 3 साल से हो रहा है, बहुत सरकारी दवाएं वो खाई समझो, कुछ भी नहीं। अभी तुम्हारा एक ही न्यूज चैनल पे प्रोग्राम तो सॉल्व किए समझो।
ठीक है, कितनी उम्र है बच्चा? मेरी उम्र होंगी देखो। ठीक है सर, कट गई कॉल। अच्छा, उम्र तो मैं अंदाजा लगा लूंगा आपकी। देखिए, एसिडिटी का एक मुस्तकिल इलाज भी है, और मैं अक्सर एक नुस्खा शेयर करता हूँ, वो दुनिया के अच्छे नुस्खे जात में है। उसमें छह चीज़ें तो किचन की हैं, एक चीज़ बाहर से भी लेनी पड़ सकती है, अच्छे घरों में वो भी किचन में रहती है, तो वो पूरे सिस्टम का इलाज है और 10-12 बीमारियों में काम करता है। देखिए, सौंफ सभी जानते हैं, सौंफ सौंठ जीरा तीनों किचन की चीज़ें, धनिया, अजवाइन और मेथी का दाना, ये छह चीज़ें किचन में अक्सर मिल जाती हैं। 100-100 ग्राम लें, सौंफ सौंठ जीरा धनिया अजवाइन मेथी का दाना, ये 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना के रखें। ये हमेशा घर में अगर रहे तो बहुत अच्छा है। और एक आता है नमक जैतून, ये दुनिया का शायद सबसे बेहतरीन नमक है। एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं, और ये 2 गिलास पानी से ये 6 चीज़ों का जो आपने पाउडर बनाया है ये खा लें 1 चम्मच, और ये पानी पी लें, काफ़ी है, बस एक बार ही काफ़ी होता है। किसी किसी को अगर 2 बार भी लेना पड़े तो ले सकते हैं, खाने से पहले आधा घंटा पहले लिया करें, तो ये 10-12 रोगों में काम करता है। देखिए, एसिडिटी, गैस, कब्ज, बवासीर 4 बीमारियाँ हो गई, इन्फेक्शन 5वीं बीमारी, किडनी इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन और लीवर, लीवर इन्फेक्शन, लीवर बड़ा हो जाना, बढ़ जाना, फैटी हो जाना, किडनी की गंदगी जो बढ़ जाती है, जिसे जिसकी वजह से हम डायलिसिस कराते हैं, वो गंदगी जिसे आलूदगी कहते हैं, जिसे क्रिएटिनिन कहते हैं, उसके लिए, फिर स्किन के रोगों के लिए, मुहासों के लिए, और जाने कितनी बीमारियों के लिए, ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है, इसे आप इस्तेमाल करें, फायदा उठाएं। छोटा राजस्थान से हैं जहूर अंसारी जी, स्वागत है आपका। हकीम साहब सलाम अलैकुम। सेल जी, मेरे 3 पेशेंट के सवाल हैं, मतलब थोड़ा लिख लेना पूरा, मतलब कितना हकीम साहब को बता देना। पहला सवाल तो ये हकीम साहब, एक के मतलब हाल में मतलब 100% मतलब मतलब हाल में बिलोक था, और एक नस 50% थी, जो अपन उनको मतलब जैतून ये एच केयर सिरप और एच केयर कैप्सूल दे रहे थे, 6-7 महीना हो गए उनको खाते खाते, तो मतलब उनके क्या है कि मतलब अभी भी उनको बता रहे हैं कि मतलब जैसे अभी अपन ने ऊपर ऊपर चढ़ने में थोड़ा सांस फूलती है, और कुछ वजन उठाने में सांस फूलती है, तो उनको मतलब जैतून का सिरका उनकी चालू कर सकते हैं, मतलब वो कैप्सूल एच के और एच मतलब एच सिरप देंगे, या मतलब अपना ये जैतून का सिरका दे सकते हैं उनको। और दूसरा सवाल ये है कि मतलब एक जना मतलब एक पेशेंट को मतलब बड़ी मशहूर समझा के उनके 400 शुगर रहती है, 400 उनको मतलब जैतून का सिरका उनको भी दे सकते हैं, मतलब अदरक का, इनका तो मेरे आज तक मतलब जूस निकलता भी नहीं, मतलब बहुत ट्राई कर लिया, अदरक का लहसुन का जूस तो निकलता ही नहीं है, तो जैतून का मतलब सिरका मतलब फायदा करेगा, या मतलब और कुछ देवा मतलब उनको। तो तीसरा पेशेंट का ये है कि मतलब उनका थायराइड है मतलब, तो धनिया, आंवला, अलसी बताया उनको, और गोन मोरिंगा बताया उनके 6 महीने के, मतलब उनको बोला उनके साथ नहीं रहता, मैंने ये वही बोल दी कि मतलब मैं पूरी जगह मतलब इलाज करा लिया, तो मैंने उनको ये बोला मैंने 6 महीना दे दो, मतलब आप बढ़िया हो जाओगे। तो ये तीन सवाल है, तीनों मतलब जल्दी लिखिए बढ़िया, मतलब जवाब दे दीजिए। और देखिए, ये जो थायराइड वाले नुस्खे में है, धनिया 300 ग्राम लें, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम। थायराइड वाले से कहें कि ये भी खाते रहें 2 टाइम, और अपनी थायराइड की गोली भी खाते रहें, फिर 2 महीने बाद अपनी पुरानी और नई रिपोर्ट चेक कराएं, आपको मसरत होगी क्या उनको फ़ायदा शुरू हो गया, धीरे धीरे 6-7 महीने लगातार इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है, और जिनको ब्लॉकेज था उनको ख़त्म हो जाना चाहिए अभी तक, और 6-7 महीने में तो हो जाता है, फिर भी आप चाहें तो इनको लगातार वो सिरप दें या ये सिरका दें तो उसमें नमक जैतून एक चुटकी मिला कर दें, या नमक जैतून और वो
खाने का सोडा मिला के दें तो वो सिरप का ही काम करेगा, एच के सिरप वाला ही काम वो कर सकता है। इत्मीनान रखें, ब्लॉकेज का दुश्मन है ये रॉ मटेरियल है, आपने खुद बनाया है, लेकिन ये मैंने इससे अच्छी इन नसों के ब्लॉकेज से मुतालिक कोई दवा नहीं देखी आज तक। तो ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, निरोगी भी ले सकते हैं, फ़ायदा मुमकिन है जी। और 400 शुगर रहती है, जैतून का सिरका दे सकते हैं या फिर कुछ और अदरक नींबू का रस ये नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सिरका खाली सिरका दे दें, मैंने आपको जवाब दिया कि इस सिरके में अगर खाने का सोडा एक चुटकी और एक चुटकी नमक जैतून मिला दिया जाए एक खुराक में तो ये वो सारे काम करेगा जो अदरक लहसुन और नींबू के महलूल काम करता है। और शुगर वालों को दे सकते हैं आप इन्हें, 2 से 3 टाइम भी दे सकते हैं। और एक आता है गोंद जामुन, इससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं कि दुनिया की सबसे तेज़ असर रॉ मटेरियल जामुन का गोंद है, जो एक एक चुटकी 2 बार लेने पर शुगर को कंट्रोल रखता है, बशर्ते आप अपनी अद्वियात भी खाते रहें, और ये आपको सेहतमंद ज़िंदगी दे सकता है जी। हकीम साहब, ये जो हार्ट ब्लॉकेज वालों के लिए इन्होंने सवाल किया था, उनकी सांसें जो फूल रही हैं इसका क्या कारण है? देखिए, हो सकता है फेफड़े कमज़ोर हो इनके, ब्लॉकेज तो मेरा ज़ाती तजर्बा है कि 6-7 महीने में खुल जाता है, तो आप चाहें तो टेस्ट भी करा सकते हैं। सबसे बड़ी ज़मानत तो वो टेस्ट जो होते हैं ब्लॉकेज के, दोबारा करा सकते हैं, थोड़ा परेशानी तो होती है आपको साबित करने के लिए, बस वही टेस्ट है। और फेफड़े अगर कमज़ोर हों तो फिर फेफड़े का इलाज कर लें, अभी आपके ब्लॉकेज नहीं होने चाहिए, ऐसा मेरा तजुर्बा है। दादरी से हैं सुरेश जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर। हाँ नमस्कार जी, अकीम साहब से बात करवाएंगे? जी बात हो रही है, सुरेश जी आपका स्वागत। अकीम साहब नमस्कार, मैं ऑलरेडी लेफ्टिनेंट बोल रहा हूँ सर, वो जी। अच्छा, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ मेरा मेरे पेट में बड़ी प्रॉब्लम जी, चूर्ण खा लेते हैं और कई चूर्ण आते हैं, तो मैं चूर्ण ही लेता रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं है कि मेरे आत्मा की चिकनाई खत्म हो गई हो। हाँ देखिए फौजी भाई, यही मसला है कि ये चूर्ण वगैरह जो आते हैं ये आंतों की चिकनाई खत्म कर देते हैं, यही बात सच है। तो बहुत सारे नुस्खे हैं इसके लिए, लेकिन ये चूर्ण बनाने वाले लोग बगैर छोटी हरड़, हरड़ या हरड़ काबली, ये तीनों एक ही चीज़ है, इसके मिलाए चूर्ण नहीं बनाते। और इसको प्रयोग करने का तरीका ये है कि हरड़ को या हरड़ को या हरड़ काबली को इसको तेल में भूनना होता है, तेल या तो बादाम का हो या अरंडी का हो, उसमें अगर हम भून लें तो फिर ये सही काम करता है, नहीं तो ये हमारी आंतों की चिकनाई निकाल देता है, फिर फुजलात जो लैट्रिन है हमारी आंतों से चिपक के चलने लगती है। एक तो ये बात समझानी ज़रूरी थी, दुनिया में लोग आते हैं और अखबारों में और टीवी पर और यूट्यूब पर फेसबुक पर कहते हैं त्रिफला खाओ, ये सबसे बड़ा दुश्मन त्रिफला है इंसान का, पेट का। तो त्रिफला अगर खाना हो तो इसको आप अरंडी के तेल में या बादाम के तेल में भून लें और फिर इसको खाएं, ताकि आपको नुकसान ना दे। त्रिफला बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बग़ैर इसमें भूने ये नुकसानदेह चीज़ है, शुरू में फ़ायदा करती है, बाद में आंतों की चर्बी निकाल देती है, चिकनाई जो एक लेमिनेशन होता है। अब मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ आपको, एक दो नुस्खे बता देता हूँ। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें लें आप और इनको 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना के रख लें
और एक चुटकी नमक जैतून दो गिलास पानी मिला के ये आप रोजाना कम से कम एक बार लिया करें, ज़्यादा ज़्यादा दो बार, खाने से पहले लेना बेहतर है। और एक और घरेलू इलाज है कि बादाम का अच्छा तेल अपने सामने निकलवा लें, वरना आजकल भरोसा नहीं, और दो तीन चम्मच दूध में मिला के पी लिया कर दिन में एक बार या दो बार बादाम का तेल, और ये बहुत अच्छा नुस्खा है। धीरे धीरे आपकी लैमिनेशन वापस आनी मुमकिन है। बेल पत्थर खाया करें खूब, बेल पत्थर खाएं तो पानी खूब पिया करें। अभी बेल पत्थर नहीं मिले तो आप बेल का मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब पेट के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं।